आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। जल शक्ति, बागवानी, राजस्व व सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों के विकास एवं विस्तारीकरण पर एक विशेष प्रोजेक्ट के माध्यम से 2250 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की जा रही है। इससे जहां विभिन्न पर्यटक स्थलों में आधारभूत सुविधाओं के ढांचे को मजबूत किया जाएगा, तो वहीं पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में भी अहम कदम उठाए जाएंगे। महेंद्र सिंह ठाकुर आज सराज विधानसभा क्षेत्र के जंजहली में 3 दिवसीय जंजहली पर्यटन उत्सव 2022 के शुभारंभ मौके पर बोल रहे थे। धन्यवाद। पंचायत को मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री जी ने लोक निर्माण विभाग आदेश करके जो है सड़कों का इंतजार बिछाया और जिस प्रकार से पीने के पानी को लेकर के सराज विधानसभा चुनाव क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी योजना का शिलान्यास किया था 214 करोड़। और मुझे याद है जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका शिलान्यास कर दिया, 3 महीने हो गए काम शुरू नहीं हुआ, टेंडर नहीं हो सके, तो मुख्यमंत्री जी ने मेरे को एक छोटी सी बात कही, ठाकुर जी कही ऐसा ना हो ये काम शुरू ना हो तो फिर तो मेरा का चुनाव हो गया। मैं आज इस मंच के माध्यम से अपने श्राद्ध के भाई बहनों को बताना चाहता हूँ कि शायद ही श्राद्ध का कोई घर नलके के बगैर ठाकुर जयराज जी ने छोड़ा होगा। 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि हमने श्राद्ध विधानसभा चुनाव क्षेत्र के हर घर नल पहुंचाने में, नल में शुद्ध जल पहुंचाने में जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जो है उस काम को करने में मेरा विभाग जो है सफल हुआ है। इसके अलावा क्योंकि ये सारा हमारा सात विधानसभा चुनाव क्षेत्र बागवानों से भरा पड़ा क्षेत्र है, हाई कोई गांव कोई क्षेत्र ऐसा होगा जहां पर सेब के बगीचे नहीं होंगे, सुवानी के बगीचे नहीं होंगे, प्लम के बगीचे नहीं होंगे। मैं देख रहा था आप एक बार मैं मुख्यमंत्री के साथ हेलीकॉप्टर में जाता हूँ, मैं देखता हूँ वैसे कि चाहिए नहीं बनते, जितने भी सेब के बगीचे हैं, जितने भी हमारे फलदार बगीचे हैं उनके ऊपर नेट लगी हुई होती है। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि ठाकुर जी कुछ सोचो कोई नॉन इंडिपेंडेंट जो हमारा विश्वविद्यालय है आपने उसका यहाँ पर भी कोई कुछ खुल जाए, हमने कहा क्यों नहीं खुलेगा जब ये सारा का सारा क्षेत्र बागवानी से भरा पड़ा क्षेत्र है, इस भरे पड़े क्षेत्र के लिए जो आप आदेश करेंगे वो हम यहाँ पर करेंगे। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र के अंदर नौणी विश्वविद्यालय का एक विद्यालय जो है वो आपके क्षेत्र में खुला, इसके लिए मैं आपको ढेर सारी बधाई देता हूँ।